नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा और आज अपन बात करने वाले हैं OnePlus Nord के बारे में वापस से। मैंने इसके अंदर जो है वो गूगल कैमरा जो है वो डाला था एंड टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा शानदार वाली परफॉर्मेंस जो है मुझे मिली थी। मैं रिव्यू के अंदर बोल रहा था कि जो कैमरा है इस वाले स्मार्टफोन का वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इतना ज्यादा केपेबल नहीं है जितना इसको होना चाहिए था। मेरे को जितनी एक्सपेक्टेशन थी OnePlus की तरफ से उतना अच्छा जो है इसका कैमरा नहीं है, बट इवेंचुअली गूगल कैमरा डालने से सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इंप्रूव हुई है। तो आज अपन इस वाली वीडियो के अंदर उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा किसने गूगल कैमरा को किसे डालना है, क्या क्या काम करता है, क्या क्या काम नहीं करता, कहां कहां पे आपको बग्स देखने को मिलते हैं, कहां कहां आपको ग्लिचेस देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ मैं आपको जो है वो इमेज सैंपल्स भी जो है वो दिखाऊंगा ऑब्वियसली। तो वे स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। तो इससे पहले मैं बात करूं गूगल कैमरा के बारे में, आपको बता देना चाहता हूं कि OnePlus के अंदर एक अपडेट आया था अभी रिसेंटली जिसके अंदर वो लोग बोल रहे थे कि डिस्प्ले के इश्यूज जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। मैंने उसके ऊपर स्टोरी बना के डाली थी एंड उसकी वजह से जो है वो स्क्रीन टिंटिंग इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा, बट अपडेट मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अभी तक फोन जो है बिल्कुल मस्त वाला अपडेटेड है जितना हो सकता है मैक्सिमम, और अभी तक वो स्क्रीन टिंटिंग इशू जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है। तो जैसे ही वो सॉल्व होएगा मैं उसके ऊपर जो है वो एक और वीडियो जो है वो बनाऊंगा काफी ज्यादा जल्दी। जैसे कि अब तक यहाँ पे देख सकते हो इंप्रूव डिस्प्ले एक्सपीरियंस, लेकिन डिस्प्ले का एक्सपीरियंस जो है वो इंप्रूव नहीं हुआ है। तो ओवरऑल जो कैमरा है वो भी जो है जैसे कि आप देख सकते हो कैमरा के अंदर भी काफी इंप्रूव जो है इन लोगों ने करा है। तो अपेरेंटली हो सकता है कि उससे भी जो है वो काफी ज्यादा फर्क पड़ चुका हो मेरे सैंपल्स के ऊपर एज कम्पेयर टू मेरे रिव्यू से और आज की वीडियो के अंदर। तो ये एक तरीके से अपडेट ही है उस वाली वीडियो का। तो सबसे पहले बात करता हूँ नॉर्मल वाले कैमरे के अंदर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ओवरऑल यूआई जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही है जैसे कि आपको पहले के OnePlus स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिली थी। यहाँ से आप अपने 2x को जो है वो ट्रिगर कर सकते हो और यहाँ से आप अपने अल्ट्रावाइड को ट्रिगर कर सकते हो, और आपको मैक्रो लेंस को ट्रिगर करना है तो फिर यहाँ से मैक्रो लेंस जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। एज कम्पेयर टू पहले से इन लोगों ने मैक्रो लेंस के अंदर जो है वो थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स जो है वो करे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो डस्ट वगैरह दिख रही है तो इंप्रूवमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे करे हैं इस बार इन लोगों ने एज कम्पेयर टू पहले वाले जो मैंने रिव्यू बनाया था, तो उससे जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव है यहाँ पे मैक्रो लेंस। मैं बात करूँ गूगल कैमरा की, तो गूगल कैमरा जो है वो अभी इतनी अच्छी तरीके से जो है वो स्टेबल नहीं हुआ है। मतलब ये फोन जो है अभी जस्ट ही थोड़े दिनों पहले ही जो है वो बाहर आया है और गूगल कैमरा जो है वो बिल्कुल स्टेबल जो है वो नहीं हुआ है। मतलब कि अभी भी जस्ट स्टार्ट करने से पहले ये वाला कैमरा जो है वो थोड़ा सा अटक अटक गया था। तो अपेरेंटली वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगी इसके अंदर जो कि आप सोच रहे हो। तो यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड जो है वो देखने को मिलता है जो कि आपके पोर्ट्रेट शॉट्स जो है वो ले लेगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो जो ब्लर वगैरह है वो अच्छी तरीके से करता है और जो किनारे हैं जो एच डिटेक्शन है इसका काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू OnePlus का स्टॉक कैमरा। तो अगर आप पोर्ट्रेट मोड के अंडर हो इतना ज्यादा अच्छे तरीके से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो गूगल कैमरा ही यूज करना। सेकंड लेवल बढ़ते हैं नाइट साइड की तरफ, तो नाइट साइड भी जो है इसके अंदर काफी ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू OnePlus वाले कैमरा। मैंने इसको टेस्ट करा था लेकिन आपको सैंपल्स जो है वो नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके बाद मैंने फोन को जो है वो फॉर्मेट कर दिया था और मैंने इस वाले फोन को बेच दिया था। बट अपेरेंटली ये मेरी किसी और बंदे का फोन है जो कि मैंने लिया है इस वाले वीडियो को बनाने के लिए, तो मैं आपको बोला सैंपल जो है वो नहीं दिखा सकता और अभी रात नहीं हुई है तो फिर मैं आपको इस वाले फोन से भी जो है वो सैंपल नहीं दिखा सकता। बट फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि ये वाला जो नाइट मोड है वो काफी ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू OnePlus के नाइट मोड से। और थर्डली मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को कोई सी भी एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन है वो नहीं देखने को मिला है अभी तक। तो हो सकता है उसके लिए वो कुछ ना कुछ और डाउनलोड करना पड़ा हो। और साथ साथ मैं बात करूँ AR प्ले ग्राउंड की, मतलब कि जो AR की एप्लीकेशन होती है जैसे कि आपको नॉर्मल गूगल कैमरा के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि आप आयरन मैन वगैरह को जो है वो ट्रिगर कर सकते हो, तो वो वाली चीज जो है इसके अंदर नहीं चल रही है। बार बार जो है सिस्टम क्रैश हो रहा है, तो मैं उसको भी जो है वो रिकमेंड नहीं कर सकता एज कम्पेयर टू, मतलब इसके अंदर मैं इसको टेस्ट भी नहीं कर पाया तो फिर मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकता। तो वो सारी बातें जो है मैं आपको बता दी कि क्या क्या चलता है क्या क्या नहीं चलता। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या नहीं चलता है, और वो ये है कि यहाँ पर जो है आप अपने अल्ट्रा वाइड एंगल और 2x वगैरह को जो है वो ट्रिगर नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आता है एडवांस सेटिंग के अंदर जाके कि आप दूसरे जो कैमराज हैं उनको दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तो आप उनको शो बटन करते हो टेलीफोटो का और अल्ट्रा वाइड का, और बैक जाते हो अगर तो वो ऑप्शन जो है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 2x और 0.6x जो है यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही आप टैप करते हो तो जो आपका कैमरा है वो बंद हो जाता है, और जैसे ही आप उसको वापस ऑन करते हो तो उसके बाद जो है वो नहीं चलता है। तो आप जो है इसके अंदर अभी तक अल्ट्रा वाइड एंगल वगैरह जो है वो सपोर्ट नहीं ले सकते, आप अल्ट्रा वाइड वगैरह को एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो जो है इस बात को ध्यान रखना कि ये वाला कैमरा जो है सिर्फ और सिर्फ अपने मेन कैमरा लेंस तक ही जो है वो चलेगा। आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप क्लियर स्टोरेज करोगे एक बार और कैमरा को वापस से चालू करोगे तो वापस से कैमरा जो है वो चालू हो जाएगा, आपको कोई सी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी।
अब मैं बात कर दूँ इसके कैमरा सैंपल्स के बारे में, तो सबसे पहले बात करूंगा आगे वाले कैमरा सैंपल के बारे में, ना कि पीछे वाले कैमरा सैंपल के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये वाली फोटो जो है मैंने गूगल कैमरा से ली है और ये वाली फोटो जो है मैंने OnePlus कैमरा से ली है। अब गूगल कैमरा वाली फोटो जो है उसके अंदर आपको डिटेल्स जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी तरीके से देखने को मिलती है और साथ ही साथ आपको जो है वो काफ़ी अच्छा वाला एनवायरनमेंट ओवरऑल देखने को मिलता है। फोटो जो है बिल्कुल क्रिस्प है, बिल्कुल क्लियर है और आपको जो है वो एक एक डिटेल जो है अच्छी तरीके से देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे माथे का पसीना भी जो है इसके अंदर आ रहा है और थोड़े बहुत जो रैशेज वगैरह वाले हैं वो आ रहे हैं, लेकिन OnePlus की फोटो जो है बहुत ज़्यादा क्लीन है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ओवर एक्सपोज्ड भी जो है बोल सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट ब्राइट जो है उसने फोटो ली है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स को जो है वो मिस कर दिया है इसकी AI ने जो है मेरे फेस को जो है वो स्मूथ कर दिया है और ओवरऑल पीछे रोड के अंदर की डिटेल्स भी जो है OnePlus ने थोड़ी बहुत OnePlus के कैमरा ने थोड़ी बहुत मिस कर दी है जो कि आपको गूगल के कैमरे के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये भी जो है वो अच्छी बात है गूगल के कैमरा की। तो ओवरऑल मुझे सेल्फी कैमराज के अंदर जो है वो गूगल का कैमरा ज़्यादा अच्छा लगा। ये जो है सेकंड सेल्फी मैंने ली थी, ये वाली गूगल कैमरा की है और ये वाली OnePlus से कैमरा की है। अब OnePlus का कैमरा जो है वो सेल्फीज को जो है वैसा का वैसा खींचता है, फ्लिप नहीं करता है। वो गूगल कैमरा जो है वो फोटोज़ को जो है वो फ्लिप कर देता है। यहाँ पर मैंने इस वाली फोटो को स्पेसिफिकली एडिट करा है ताकि पीछे का जो टेक्स्ट है वो सही से लिखा हुआ जो है वो दिखाई दे। तो ये जो है मैंने OnePlus के कैमरा से लिया है और उसके अंदर भी आप लोग देख सकते हो मेरे फेस को जो है स्मूथ करने की कोशिश करी है ब्यूटी मोड वगैरह ऑन करके, और ओवरऑल जो फैक्टर है मुझको ज़्यादा HDR वगैरह का वो गूगल कैमरे के अंदर ही जो है वो ज़्यादा लग रहा है। OnePlus की फोटो वापस से थोड़ी सी ओवर एक्सपोज ओवर सैचुरेटेड जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है और गूगल की इमेज प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। तो मैं इसके अंदर भी जो है वो रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल कैमरा ही यूज़ करो। मतलब कि पीछे की आप देख सकते हो कि ये रस्ट वाली लाइन जो है वो इतना सही तरीके से OnePlus के कैमरा में नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे कि आप गूगल का कैमरा खोलते हो तो फिर आपको यहाँ पर एक रस्ट वाली लाइन जो है वो दिखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। तो ओवरऑल मैं सेल्फी कैमरा के अंदर गूगल का कैमरा ही जो है वो रिकमेंड करूँगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और वो है आपका मेन कैमरा सेंसर। तो ये जो है वो मैंने गूगल कैमरा से ली है और ये वाली जो है मैंने OnePlus के कैमरा से ली है। एंड टू बी ऑनेस्ट कुछ कुछ जगहों पे OnePlus का कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छी फोटोज़ कैप्चर करता है और कुछ कुछ जगहों पे गूगल कैमरा का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है गूगल कैमरा जो है वो सही फोटोज़ नहीं खींच पाता और OnePlus का कैमरा सही खींच लेता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि OnePlus का कैमरा सही नहीं खींच पाता तो गूगल कैमरा सही खींच लेता है। तो अपेरेंटली काफ़ी ज़्यादा क्लोज मुकाबला जो है एक दूसरे को देते हैं, बट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही कैमरा डिपार्टमेंट है। मतलब कि इमेज प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही कर दी है OnePlus ने जब से मैंने इस वाले स्मार्टफोन का रिव्यू करा है। अब मैं बता देना चाहता हूँ एक चीज़ की OnePlus का कैमरा जो है, जो ये वाले फोटो है उसके अंदर आपको बेसिकली थोड़ी सी जो है वो ओवर एक्सपोज इमेजेस, थोड़ी सी जो है वो ओवर सैचुरेटेड इमेजेस जो है वो देखने को मिलेंगी, बट ओवरऑल जो गूगल का कैमरा है वो आपको जो है वो बेस्ट इन क्लास कलर्स जो है प्रोवाइड करेगा। मतलब कि जो कलर आप उस वक्त देख रहे होगे अपनी आंखों से वही का वही कलर जो है वो कैप्चर करेगा, और OnePlus का कैमरा है उस वाले कलर के अंदर थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशन जो है वो कर देगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाली फोटो में लिटरली देख रहा था वहाँ से अपनी आंखों से और यही की यही जो है वो आई है, लेकिन इस वाली फोटो के अंदर OnePlus ने स्काई को जो है वो ब्लू करने की कोशिश करी है, पेड़ों को हल्का सा हरा और करने की कोशिश करी है, तो उससे जो है वो फर्क पड़ जाता है थोड़ा बहुत। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे बाइक की जो है फोटो ली थी और OnePlus के कैमरा के अंदर आपको हल्का सा जो है वो फेडेड इमेज देखने को मिलती है, थोड़ी सी जो है वो ओवर एक्सपोज इमेज देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू गूगल का। इसके अंदर आपको HDR जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार वाला देखने को मिलता है, डायनेमिक रेंज काफ़ी ज़्यादा शानदार जो है वो कैप्चर करी है गूगल के कैमरा ने OnePlus के ही हार्डवेयर से। तो अपेरेंटली काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है मेरी बाइक की फोटो गूगल वाले फोटो के अंदर एज कम्पेयर टू OnePlus वाली फोटो के अंदर। आगे बढ़ते हैं स्काई की तरफ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यही का यही रंग था, मैंने ऊपर जब देखा था तो यही का यही रंग था, ये वाला रंग नहीं था स्काई का, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश रंग है। ऐसा लग रहा है कि OnePlus ने कोई स्काई वाला फिल्टर जो है वो लगा दिया है फोटो खींचते वक्त। तो ब्लू ब्लू कलर की काफ़ी ज़्यादा स्काई आ रही है एज कम्पेयर टू गूगल कैमरा, जिसके अंदर आपको स्काई का कलर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट देखने को मिल रहा है जो कि मेरे को वहाँ पर देखने को मिल रहा था। बट ओवरऑल फोटो जो है दोनों के दोनों कैमरा से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी आई है और काफ़ी ज़्यादा सही आई है, और कुछ लोगों को हो सकता है ये वाली फोटो ज़्यादा पसंद आए क्योंकि ऑब्वियसली ये अनरियल है फोटो, थोड़ी सी विल्टर लगा रखा है, काफ़ी अच्छे तरीके से एनहांस कर रखा है, और कुछ लोगों को हो सकता है कि ये वाली फोटो ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये जो है वो ट्रू टू लाइफ है और काफ़ी एक तरीके से बिल्कुल बिना किसी फिल्टर के है। तो कुछ लोगों को ये पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को ये पसंद आ सकता है, लोगों की प्रेफरेंस पर जो है वो डिपेंड करता है। मुझे जो है वो दोनों ही दोनों फोटोज़ जो है वो बिल्कुल सही लगी हैं और कोई सी भी कमी जो है वो नहीं लगी है। थोड़ा सा एनहेंसमेंट भी चलता है ताकि जो सिनेमेटिक लुक है जो लोग ज़्यादा एडिटिंग वगैरह के अंदर नहीं है वो अच्छी फोटोज जो है वो ले पाएँ। तो मैं इसके अंदर जो है वो कहीं से लेके कहीं तक कोई सी भी कंप्लेन नहीं कर सकता। बात करूँ वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो दोनों के दोनों कैमरा में लगभग सेम टू सेम ही होती है। इमेज स्टेबलाइजेशन वगैरह जो है वो दोनों के दोनों कैमराज में लगभग सेम टू सेम ही है, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी कोई सी भी कंप्लेन जो है वो नहीं कर सकता। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाली फोटो है मैंने OnePlus के कैमरा से ली है और ये वाली फोटो जो है मैंने गूगल कैमरा से ली है, मेरा हाथ जो है वो बीच में आ गया। बट अपेरेंटली यहाँ पर भी जो है कलर्स वगैरह जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट OnePlus वाला कैमरा नहीं दिखा रहा है और गूगल वाला कैमरा दिखा रहा है। मतलब कि मेरी बाइक का कलर जो है वो यही है, लेकिन OnePlus वाला कैमरा जो है इसके अंदर इसने सैचुरेशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है और मेरी बाइक जो है वो जरूरत से ज़्यादा लाल लग रही है। तो अपेरेंटली
डेफिनेटली गूगल वो वन प्लस वाला कैमरा जो है वो थोड़े बहुत छेड़छाड़ तो करता है ये फोटो के साथ, जो कि कुछ लोगों को पसंद आ सकते हैं और कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकते हैं। बट अपेरेंटली यही था गूगल कैमरा का रिव्यू। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इसको फ्लैश कर लो अपने वन प्लस नॉर्ड के ऊपर। फ्लैश तो नहीं करना आपको, नॉर्मली आपको इंस्टॉल करना है। और अगर आपको थोड़े बहुत और छेड़छाड़ करनी है, मतलब गूगल AR वाली एप्लीकेशन चलानी है और दुनिया भर की चीज़ें करनी है, तो आपको फ़ोन को जो है वो रूट करना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से चला पाओगे ऑन फुल पोटेंशियल। लेकिन बिना रूट करे, आपको बिना कुछ छेड़छाड़ करे ज़्यादा, अगर आपको गूगल कैमरा इंस्टॉल करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको बस APK इंस्टॉल करना है और गूगल कैमरा जो है वो चलने लग जाएगा सारे स्मार्टफोन के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। भाई लाइक करने से वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करना मत भूलना, सेकंड चैनल जो है मैंने बना लिया है एंड उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज मिस्टर सनी को भाइयों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाव शर्मा।